बरेली में वर्तमान समय में कोरोना महामारी ने जिस प्रकार भीषण तबाही मचा रखी है, उसका असर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। इस महामारी में जहां एक और लोग इलाज के लिए परेशान हैं, आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बेरोजगार होने के कारण श्रमिक भी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर श्रमिकों के उत्थान के लिए श्रमिक कल्याण समिति ने उप श्रमिक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बताते चलें जिसमें मुख्य रूप से 9 मांगे रखी गई हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के चलते श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो गया है, जिससे वह परिवार को पालन में असमर्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तुएं उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से श्रमिकों के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाकर उनके परिवारों की जांच एवं दवाई वितरण कराई जाए। जो भी सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए योजनाएं निकाली गई हैं, उनको समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। तक लॉकडाउन है तब तक उनको निश्चित धनराशि दिलवाई जाए। जिन श्रमिकों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनको बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी परिवार में कोई पॉजिटिव केस होता है तो उनके परिवार की खान पान की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए, उनको भी राशन दिलवाने के उपाय किए जाएं। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनको मुआवजा दिलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में सचिन कश्यप, जितेंद्र शर्मा, अभिषेक डालचंद, अनुज वर्मा आदि लोग भी मौजूद रहे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ श्रमिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश से। आज हम लोगों ने यहाँ बरेली मंडल के उपश्रम आयुक्त अनुपमा गौतम जी से भेंट करके ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि जिस प्रकार आज आपात इस परिस्थिति में श्रमिक जूझ रहे हैं, उनके काम बंद हो गए और कई श्रमिक आज कोरोना से संक्रमित हैं, उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं चल रहा है, तो ऐसे में श्रम विभाग की तरफ से कम उनको 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कराई जाए और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करा दी जाए। दूसरी चीज़, जो श्रमिक ऐसी आपात परिस्थिति में कोरोना से संक्रमित होने के बाद ख़त्म हुए हैं, उनके परिवारों को शासन द्वारा जो भी धनराशि है 2 लाख रुपये, 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए शीघ्र उपलब्ध कराए जाएँ, जगह जगह मेडिकल कैंप कराए जाएँ, आवश्यक दवाइयाँ बंटवाई जाएँ श्रमिकों के परिवार के लिए, और श्रमिकों के लिए जो भी पैसा शासन से आए वह श्रमिक संगठनों की देखरेख में दिया जाए, ताकि कोई भी उसके अंदर भ्रष्टाचार या कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना कर पाए। और इस भेंट के दौरान उपश्रमायुक्त जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि शीघ्र जो है मेडिकल की और जो मुआवजे की कार्रवाई है वह प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।